सिम्मी के तड़के में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हैदराबादी चिकन लेके आई हूँ, जो मैं इस तरह बनाऊँगी। ये देखिए, जो मैंने इसमें सामान डालना है, सामग्री जो हमारी है वो इस तरह है। पहले हमने इसमें धनिया और पुदीने की पत्ती, ये मैंने इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह इसको धो के फिर इसमें काजू, काजू अगर नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हो इसमें। ये कसूरी मेथी, ये हमने 1 सर्विंग स्पून डाल देनी है। इसमें 2 चिल्ली डाल देनी है। इसमें मैंने दही डाल देनी है। इसकी हमने फाइन पेस्ट बना लेनी है। फ्रेंड्स, ये हमारे धनिया पुदीने वाली पेस्ट बनके तैयार है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने तेज़पत्ता, पहले मैंने घी डाला है देसी, इसमें 2 सर्विंग स्पून घी डालना है। इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग। इसमें मैंने अब प्याज काट के डाल दिया। अब इसमें मैंने चॉप की प्याज डाल दी है। इसको ब्राउन होने तक इसको पहले भून लेना है 10-15 मिनट। अब मैं 1 kg चिकन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 प्याज लिए थे और लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता, इसका मैंने तड़का लगाया था। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। ये चिकन को मैंने 5-7 मिनट भून लिया है। फिर इसमें हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है। इसको मिक्स कर लेना है और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक हमने पहले ही डाल देना है इसमें, जिससे ये जल्दी गल भी जाएगा। इसको मिक्स करके हमने ढक्कन लगा देना है 10-15 मिनट। इसको ढक देना फ्रेंड्स। हमें अब 10-15 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए। अब हमारी चिकन गल गई है, टेंडर हो गई है। अब इसमें हम जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाई थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये देखिए, फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1.5 टीस्पून काली मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाली है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम सिम पे पकने देंगे 10-15 मिनट। फ्रेंड्स, हमारा हैदराबादी चिकन बनके तैयार है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी एकदम से ग्रीन बनी है। और इसमें हमने ये 2 मिर्चें ऐसे ही फ्लेवर के लिए डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी इसकी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। देखिए एकदम चिकन गल गया है। अब इसमें हमने लास्ट में इलायची डाल देनी है। तंदूर की रोटी से सर्व करें, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन बनके तैयार है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। अब हमारा हैदराबादी चिकन बनके तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।